जब हिंदू भाई मरा, हिंदू बहन मरी, बेटियों के साथ में बलात्कार हुआ, तब कहां थी ममता दीदी? जब दुर्गा पंडाल में कुछ गैर हिंदुओं ने आके हंगामा किया, वहां पे माहौल खराब किया, तब कहां थी ममता दीदी? जो इतने सालों से कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, अरे तब कहां थी ममता दीदी? बात आएगी मुआवजे की तो अखलाक के मैटर में मुआवजे बड़ी जोरों शोरों से निकलेंगे। वी वॉन्ट प्रेसिडेंट रूल इन बंगाल, वी वॉन्ट राष्ट्रपति शासन, वी रिक्वेस्ट टू हैशटैग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की राष्ट्रपति शासन जल्द से जल्द बंगाल में लागू किया जाए। नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का दोस्त शिखर श्रेहान, वेलकम टू ऑल इंडिया न्यूज। आज चर्चा करेंगे बंगाल की कि वहां पे चल क्या रहा है। जो वहां की मुख्यमंत्री हैं, अभी कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी दीदी, बग दीदी, आज उन्हीं पे चर्चा करेंगे। वहां पे जो बंगाल में इतनी ज्यादा हिंसा हुई, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया और क्या क्या नहीं किया इन टीएमसी के आतंकवादियों ने, उस पे जो वहां की हिंसा की रिपोर्ट थी वो जो वहां के राज्यपाल हैं श्री धनखड़ जी, उन तक वहां के मंत्रियों ने पहुंचने ही नहीं दी। तो भाइयों, आप लोग बताइए कि ये कहां का लोकतंत्र है? और अगर ये लोकतंत्र है तो फिर बार बार मोदी जी को तानाशाह क्यों बोला जाता है? आज तो बहुत ज्यादा सवाल खड़े करने का मेरा मन कर रहा है और बहुत लोगों पे मेरा आज सवाल खड़े करने का मन कर रहा है, लेकिन एंड में पब्लिक ही डिसाइड करती है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि आप बोलते रहते हो, बोलो मत करके दिखाओ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर बोलेंगे नहीं तो सरकार सुनेगी नहीं, और अगर सरकार करेगी तो हमसे अच्छी तरीके से कर पाएगी और ऐसा काम करेगी जो एकदम जड़ से होगा। इसलिए हमारे बोलने को गलत ना समझिए, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं इसका इंपैक्ट दिल्ली, लखनऊ, बहुत दूर दूर तक पहुंचता है। अरे मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये जो भी बंगाल में कार्य चल रहे हैं, ये कहीं से कहीं तक टॉलरेट करने लायक नहीं है, कहीं से कहीं तक बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मैं नहीं करता हूं बर्दाश्त ऐसे कार्यों को, मैं नहीं करता हूं बर्दाश्त ऐसी हिंसाओं को। मुझे मेरा खून खौलता है घर में बैठे हुए कि ये चंद गद्दार, ये गैर हिंदू, जो रोहिंग्या मुसलमान भी हैं, जो भारत आ गए शरणार्थी बनके, कि भैया भैया हमें थोड़ी सी जगह दे दीजिए अपने देश में रहने के लिए, और वहीं पर ममता बनर्जी जैसी महादेश गद्दार इनको जगह भी दे देती है रहने के लिए, और ये हमारे ही देश में रहेंगे, हमारे ही देश का खाएंगे, लेकिन गाएंगे बांग्लादेश का, गाएंगे पाकिस्तान का, और जब छुरा चलना होगा हमारे हिंदू भाइयों पर, हमारे ही देश में छुरा चलाएंगे। लानत है इन लोगों पे और लानत है वहां के हिंदुओं पे। सवाल करता हूं श्री मोदी जी से भी, योगी जी से भी, बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं से कि अभी तक कड़े से कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये खाली मैं नहीं बोल रहा, आई एम नॉट स्पीकिंग अलोन, ये आज हिंदुत्व बोल रहा है, ये सारे हिंदू बोल रहे हैं, ये हिंदू धर्म की पुकार है, ये हिंदू धर्म की आवाज है, ये हिंदू धर्म की मांग है, ये हमारे सनातन भाइयों की सभी की मांग है कि जिन लोगों ने भी हिंसा करी है बंगाल पे, जिन लोगों ने भी उन माताओं बहनों का बलात्कार किया है, वहां पे हत्या हुई है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये हम लोगों की रिक्वेस्ट है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं बोलते 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 प्रोटेस्ट करूंगा, अच्छे से करूंगा, और मैं अपने व्यूअर्स से चाहता हूं प्रोटेस्ट जब होगा तब होगा, कार्रवाई जब होगी तब होगी, लेकिन सबसे पहला काम आप लोग ये कर सकते हो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करिए, जिससे ये मेरी जो विचारधारा है ये बाहर निकले, बाहर पहुंचे और भी लोगों में फैल जाए। बात करते हैं सीबीआई की। वहां के जो सीबीआई है, एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था 2016-17 में हुआ था स्टिंग ऑपरेशन। तो वहां पे ये टीएमसी के जो भी नेता लोग थे, इन्होंने अपना एक मेयर चुना, अपने काम करवाए और घूस देते हुए, रिकॉर्ड में है वो सारी चीजें, घूस देते हुए स्टिंग ऑपरेशन में इनके जो नेता लोग हैं ये पकड़े गए थे। अब वही मामला सीबीआई ने उठाया जिसमें उन्होंने गिरफ्तार किया था कुछ इनके मंत्रियों को, नेताओं को, टीएमसी के, सीबीआई ने गिरफ्तार किया।
ममता दीदी पहुंची चिल्लाते हुए, अरे 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 ये क्या कर दिया, इनको गिरफ्तार क्यों कर लिया, अरे ये हमारा बच्चा लोग है, अरे इन बच्चा लोगों को छोड़ो छोड़ो, ऐसे नहीं काम चलता, ऐसे काम नहीं चलता है, हमारा तो सिर्फ खेला हो बे, खेला हो बे, खेला हो बे। क्यों क्यों ममता दीदी, जब तुम्हारे मंत्री तुम्हारे नेता गिरफ्तार हुए तब तो तुम भागते भागते पहुंच गई, बड़ी स्पीड में पहुंच गई कि अरे 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 ऐसे नहीं चलता, ये सारा नहीं चलेगा, ये सब ये तानाशाही हो रही है, ये हिंसा हो रही है। लेकिन वहां पे जब हिंदू भाई मरा, हिंदू बहन मरी, बेटियों के साथ में बलात्कार हुआ, तब कहां थी ममता दीदी? जब दुर्गा पंडाल में कुछ गैर हिंदुओं ने आके हंगामा किया, वहां पे माहौल खराब किया, तब कहां थी ममता दीदी? जो इतने सालों से कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, अरे तब कहां थी ममता दीदी? बात आएगी मुआवजे की तो अखलाक के मैटर में मुआवजे बड़ी जोरों शोरों से निकलेंगे। आसिफा के साथ जो हुआ, मुआवजे उनके परिवार के लिए बड़े जोरों शोरों से निकलेंगे, लेकिन वहीं जब बात रिंकू शर्मा की होगी, जब बात हिंदुओं की होगी, तो ना टीएमसी आएगी, ना कांग्रेस आएगी, है ना, ये शिवसेना आएगी, ना ये जितनी भी लेफ्ट पार्टियां, कोई नहीं आएगी। हिंदुत्व की बात करने आएंगे तो सिर्फ बीजेपी वाले आएंगे, है, और उसके बाद भी अगर आज के लोग हमारे भाई बहन बीजेपी को गलत समझ रहे हैं तो इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है कि जानबूझ के अपनी आंखों पे पट्टी बांधे हुए हो। अरे इस पट्टी को निकालो और ये सोचो कि देश को कैसे बचाया जाए। वो अकेले मोदी जी वहां पे लड़े पड़े हैं, खड़े पड़े हैं इस देश को बचाने के लिए, इस देश की सुरक्षा करने के लिए। और सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है जब हमारी ही बिरादरी के लोग, जब हमारे ही धर्म के लोग, जब यही सनातन लोग उंगली उठा देते हैं अपने ही राजा पे। कोई एक गैर हिंदू नहीं चाहता है कि बीजेपी की सरकार बने। फिर ये आज के हमारे भाई लोग ये कैसे चाह सकते हैं कि बंगाल में टीएमसी की सरकार बने, कांग्रेस की बने या लेफ्ट की बने, ये कैसे कोई सोच सकता है? बहुत ही ज्यादा ये निंदा का विषय है, बहुत ही ज्यादा एक गंभीर मुद्दा है, बड़ा विषय है। आज मैं इन्हीं सारी बातों को लेकर चर्चा करने के लिए बैठा हुआ था, लेकिन अब आप लोगों के ऊपर है। आप लोग वीडियो शेयर करते हो तो काफी ज्यादा एक्सपेंड होगी, आगे पहुंचेगी विचारधारा, काफी ज्यादा फैलेगी ऑल इंडिया न्यूज के माध्यम से। सारी चीजें इन द एंड आप ही लोगों के हाथ में आ जाती हैं। बाकी मेरी तो यही डिमांड है और सबकी यही डिमांड होनी चाहिए, सबका यही कॉल होना चाहिए, दैट वी वॉन्ट प्रेसिडेंट रूल इन बंगाल, वी वॉन्ट राष्ट्रपति शासन, वी रिक्वेस्ट टू हैशटैग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि राष्ट्रपति शासन जल्द से जल्द बंगाल में लागू किया जाए और उसके बाद एक बार फिर से चुनाव हो और उसके बाद में शायद ये जो हम बोल रहे हैं, जो समझा रहे हैं, जो कुछ कांड हुए हैं हमारे हिंदू भाई बहनों के खिलाफ, तो अभी शायद कुछ समझ ही आ गई हो वहां की जनता के, तो भाजपा को फिर से सरकार में चुन ले, शायद अब यही तरीका बचा सकता है। इसके अलावा कोई भी तरीका, कोई भी तौर तरीका नहीं बचा है जो हम लोगों को बचा सकता है, क्योंकि हम लोगों को तोड़ने के लिए ऑलरेडी बहुत सी पार्टीज आ चुकी हैं, वामपंथी लोग भी हैं, चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, भीम आर्मी है और काफी पार्टियां हैं, मतलब जिनकी फंडिंग लगातार विदेशी मुल्कों से होती है, जिनकी फंडिंग गैर हिंदू नेशन से होती है। अरे पूछना चाहूंगा तुम गद्दारों से, यहां का खाते हो क्या? तुम्हारे माता पिता ने तुमको धर्म नहीं सिखाया? रामायण पुराण क्या कभी नहीं पकड़ाई? गीता नहीं पकड़ाई? अरे क्या बोलू यार, मेरे पास शब्द नहीं रह जाते हैं इन नामर्दों के लिए। मैं बोल नहीं पाता हूं कि इनकी जितनी निंदा करी जाए उतना कम है। फिलहाल मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, मेरा दिमाग में बहुत ज्यादा हाइपर हो रहा हूं जो बंगाल में चीजें चल रही हैं, बिकॉज आई कांट टॉलरेट शिखर श्रेहान, कांट टॉलरेट आज का हिंदू, कांट टॉलरेट हिंदुत्व, कांट टॉलरेट। सो वी रिक्वेस्ट टू बीजेपी, वी रिक्वेस्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दीज कल्प्रेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। वी नीड इट, वी वॉन्ट इट, बिकॉज अगर कुछ लोग कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं तो हम पूजा भी करेंगे, हम मस्जिद में नमाज भी अदा करेंगे। एक मौलाना जी बैठे हुए थे मेरे साथ में, मैंने कहा ये आपकी ये दरी है जो भी होती है उनकी छोटी सी, मैंने कहा आप इस पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं, हम पाखंडी ही सही, आप इस पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं, जरा आप एक काम करिएगा, आप इस पे बैठिए और मैं ये दे रहा हूं हनुमान चालीसा, आप पढ़ के मुझे हनुमान चालीसा दिखा दीजिए मौलाना जी, मैं मान जाऊंगा कि आप पाखंडी नहीं हो, मैं मान जाऊंगा कि आप सेकुलर हो।
मैं मान जाऊंगा। लेकिन मौलाना जी कुछ भी नहीं बोले, बोलती बंद हो गई, एकदम शांत। तो ये जो सेकुलर सेकुलर का ढोंग है ना, और ये जो कांग्रेस टूल किट चला रही है, ये वो दुनिया भर का, ये बंद हो जाना चाहिए। एंड आप लोगों से, टू ऑल द व्यूअर्स आई रिक्वेस्ट, प्लीज शेयर दिस वीडियो इन लार्ज अमाउंट। एंड जाते जाते यही कहना चाहूंगा, ऑल इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ग्राउंड रिपोर्ट, सच्ची रिपोर्ट, अच्छी रिपोर्ट, ट्रू रिपोर्ट चाहिए, देन प्लीज सब्सक्राइब टू ऑल इंडिया न्यूज। थैंक यू, धन्यवाद, जय जय श्री राम।